भोगिदा नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग बट एट द सेम टाइम विल बिकम सून योर लव्ड चैप्टर एंड दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बहुत मजा आएगा ये चैप्टर करने में। काफी सारे फॉर्मूलाज है, काफी सारे डेरिवेशंस है, और जहां पे कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस हो वहां पे मजा ही कुछ और होता है। एंड दैट इज वॉट वी विल रियलाइज एज वी मूव ऑन टू दिस टॉपिक। आप लोग सब लोग ने एक बार मुझे बताना है दैट वेदर यू ऑल कैन हियर मी, यू कैन सी मी। इफ येस देन लेट द गेम स्टार्टेड। सो देखो, स्टार्टिंग में तो मुझे आप लोग का ये बुक नहीं चाहिए। ऑल आई नीड इज प्योर पेन एंड पेपर, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे को और लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से, ठीक है? चलो, सो अब चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, विच इज अ सबसेट ऑफ अ बिगर थिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग सब लोग ने या क्या अपन सब ने ये वर्ड तो सुना ही है? अपन लोग ने अपने इंटरमीडिएट में एक पूरा सब्जेक्ट था इस वर्ड से रिलेटेड, एंड वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, विच सेज दैट इफ वी हैव टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, अपने को अगर एक पोर्टफोलियो बनाना है, देन इन दैट केस एक पोर्टफोलियो में देयर विल बी डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस इन्वेस्टेड। मैं आपको एक सिंपल सा बात बोलता हूं। देखो, आज उठ के जब तुम कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा कमाओगे, ठीक है? जब ये बहुत सारा पैसा आप लोग कमाओगे, देन इन दैट पॉइंट इन टाइम व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द सरप्लस मनी? अब आज सोचो ना यार, आप महीने का आपको कोई 5,000 रुपये भी आर्टिकलशिप फीस के नाम पे दे दे, स्टाइपेंड के नाम पे दे दे, तो आप कितने खुश हो जाते हो। जस्ट इमेजिन अ डे इन योर लाइफ व्हेन यू विल अर्न ₹5 लाख पर मंथ। यस, वो दिन भी आएगा, बहुत दूर नहीं है। नाम के आगे ये दो शब्द लगवा लो मेहनत करके, देन इन दैट केस डेफिनेटली आएगा। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हाट विल यू डू विद दैट मनी? यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट, राइट? अब स्टार्टिंग में देखो, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था। तो मैं ऑब्वियसली यू ऑल नो वर्कड इन जेपी मॉर्गन। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा था। अगर मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरे घर खर्चे, पेरेंट्स को थोड़ा बहुत दे दिया, थोड़ा अपने पास रख लिया एज अ सेविंग, जो कहीं पे इन्वेस्ट भी नहीं करना है, बस अपने लॉकर में रखना है, सब कर करा के भी 50,000 रुपये का मेरा खर्चा होता है, ठीक है? से जो भी सैलरी है उसका 1/4 मम्मी पापा को दे दिया, तो 25,000 फ्लैट मम्मी पापा को दे दिया, 5,000 एक ऐसा कैश रखा कि यार कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वो आ गया, बाकी के 20,000 रुपये के खर्चे, वो भी होते नहीं है, क्या ही होंगे 20,000 रुपये जितने खर्चे, बट ठीक है, चलो 20,000 रुपये जितने खर्चे हो गए। अब 50,000 रुपये मेरे पास बाकी था, मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा कि यार चलो 50,000 रुपये है, इसका एक FD बना दे, क्योंकि सबसे पहला एडवाइस आप पेरेंट्स से लेते हो। पेरेंट्स आपको इनिशियली यही बोलते हैं कि यार इसको कहीं पे भी ऐसी जगह पे डाल जो रिस्क फ्री हो, जहां पे टेंशन ना हो, कल उठ के पैसों की जरूरत पड़े तो ऑन द स्पॉट बैंक गए, बैंक को बोला, बैंक ने FD दे दी, तोड़ दी, जो भी कर दी, पर रिटर्न पैसा आ जाएगा। तो दैट इज हाउ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिगिंस। इट यूजुअली स्टार्ट्स विद ओपनिंग ऑफ एन FD इन अ बैंक अकाउंट। तो यस, मैंने भी मेरा बैंक अकाउंट में FD ओपन करवाया। मैंने भी अपना एक FD ओपन करवाया। तो ये फर्स्ट मंथ का, जैसे ही मेरा फर्स्ट मंथ का सैलरी आया, चलो फर्स्ट मंथ का सैलरी तो पार्टी करने में ये सब में यूज हो गया, सेकेंड मंथ का सैलरी आया, 50,000 रुपीज सरप्लस रख दिया साइड पे, थर्ड मंथ का सैलरी आया वापस से 50,000 सरप्लस रख दिया, वापस से उसका FD बना दिया। अब मेरी 2 FD तो हो गई है। थर्ड मंथ का आया, फोर्थ मंथ का आया, वापस से FD बना दिया। अब FD बनाऊ तो कितनी बनाऊ? तो मैंने सोचा चलो
कोई और एवेन्यूज भी एक्सप्लोर करते हैं यार। तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को फोन किया, एक सीनियर को फोन किया, तो सीनियर ने बोला कि सुन, इक्विटी शेयर मार्केट में डाल, बहुत पैसा है। बोला बट मुझे तो कोई अच्छा स्क्रिप्ट और स्टॉक्स पता नहीं है। तो उसने मुझे एडवाइस दिया, तू ऐसा कर, म्यूचुअल फंड के SIP में डाल दे, ठीक है ना, वो टाइम पे भी रहता था, टेंशन मत लो। सो मैंने वो टाइम से ही म्यूचुअल फंड का SIP क्रिएट करना स्टार्ट किया। कभी आगे टाइम मिलेगा तो बताऊंगा मैं तुम लोग। मैंने HDFC Top 200 में तभी वो टाइम पे SIP करना चालू किया था। ओ बॉय, क्या स्कोप है ना उसमें, अनलिमिटेड। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। 3 महीना म्यूचुअल फंड का SIP था, और म्यूचुअल फंड का SIP तो ऐसा था ना, मैंने 10,000 रुपए का कराया था, तो वो मेरा 10-10 हज़ार रुपए का चल रहा था। फिर वो टाइम पे एक दो कंपनीज का शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नाम होने लगा। जैसे है ना, मोतीलाल ओसवाल का एक IPO का इशू आया था, तो वो IPO का इशू मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया था। एंड कुछ 500 रुपए का शेयर था IPO का प्राइस, जब वो मार्केट में गया तो लिस्ट हुआ 1,000 रुपीज पे, एंड इट कॉट द अटेंशन ऑफ माई आईज। हाँ, ध्यान से सुनना, मतलब IPO का प्राइस बैंड होता है ना, IPO का प्राइस बैंड, वो प्राइस बैंड था 450 to 500, और जब लिस्टिंग हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ लिस्टिंग डे पे एक हफ्ते के अंदर उसका प्राइस हो गया 1,000। मैं बोला बॉस ये तो कमाल की चीज है यार। मतलब वो फिर हेरा फेरी में देखा था, 21 दिन में पैसा डबल, अनुराधा चिट फंड स्कैम, बट यहाँ पे तो रियल में एक्चुअली ये होता हुआ दिख रहा है, इट इज अ ट्रू थिंग। सो दैट इज वेयर आई रियलाइज दैट यार, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना चाहिए। इट ऑल्सो हैज अ, एक सेकंड ना गाइस, हाँ, इट ऑल्सो हैज अ वेरी वेरी ह्यूज स्कोप। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट यार, इक्विटी मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे करते करते तुम लोग समझ रहे हो, पहले मैंने स्टार्ट किसे किया था, FD से, फिर मैं किसके ऊपर गया, म्यूचुअल फंड्स, फिर मैं किसके ऊपर गया, इक्विटी शेयर्स। साला ऐसे करते करते मैं रियलाइज कर रहा हूं मजाक मजाक में, मेरा एक पोर्टफोलियो बनते जा रहा है ऑफ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स, एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज समथिंग दैट आई शुड डू इट ऑन माई बिहाफ। और ये अपने आप के लिए करते करते कब तुम्हारी दुनिया के लिए करना स्टार्ट कर देंगे पता भी नहीं चला, बिकॉज JP Morgan में काइंड ऑफ यही मेरा प्रोफाइल था। एंड दैट इज वेयर द होल जर्नी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिगैन। तो अब आप मुझे एक बार फटाफट बता दो, आप लोगों को क्या क्या जरिए पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के? मतलब अगर आज की तारीख में आपके पास कोई पुराना संकल्प आता है तो आप उसको क्या बोलोगे? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन विच ही कैन इन्वेस्ट? समझ रहे हो तुम लोग? व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन विच ही कैन इन्वेस्ट, ये तुम लोगों को मुझे बताना है। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स सी। सो मैं तुम लोग को पूछ रहा हूं, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? वेरी नाइस। इक्विटी, MF, गोल्ड, FD, वेरी ट्रू। सो सबसे पहला तो मैं लिख ही देता हूं यार, फिक्स्ड डिपॉजिट, अपन सबका फेवरेट, इंडियंस का फेवरेट। आपको पता है क्यों है ऐसा? क्यों? पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का फेवरेट है FD, बिकॉज उनके टाइम पे, जब वो आपकी एज के थे या जब वो अर्न कर रहे थे, वो टाइम पे FD के रेट्स थे 9%, 10%, 11%, ठीक है। सो 10-11% यानी इट्स अ वेरी गुड रिटर्न, वेरी वेरी नाइस रिटर्न। सो इसके लिए उनको लगता था यार क्यों FD से हटना है अपने को। सो FD वॉज देयर गो टू इन्वेस्टमेंट सिनारियो, ठीक है। ओके, सेकेंड वॉज वेरी नाइस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। फिर किसी ने लिखा है म्यूचुअल फंड्स, वेरी नाइस विशाल, म्यूचुअल फंड्स। हाँ, फिर और कोई तरीका? चंद्रकांता ने लिखा है गोल्ड, गोल्ड सिल्वर को मैं एक कैटेगरी में डाल देता हूं। ओके देन, अरे सर आपका मेन, आपका फेवरेट, करेक्ट, इक्विटी शेयर्स। तो चलो आप इक्विटी शेयर्स भी लिख देते हैं। देन क्रिप्टो, विनेश, वाह, वंशिका, रियल एस्टेट, कैसा
क्या बात है, तो लैंड रियल एस्टेट में ही आ गया। निष्ठा लैंड लिख रही है तो मैं इधर लिख देता हूँ रियल एस्टेट, उसमें लैंड भी आ गया बाय डिफॉल्ट, घर भी आ गया, क्रिप्टो भी लिखा है किसी ने, यार क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। और कुछ या क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइंस, FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यस यस करने वाले हैं अपन भी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डन। बस यार आई थिंक अच्छा खासा वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने को मिल गया, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना बन गया है, एंड दिस इज हाउ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिगैन। यस, मुझे ऐसा लगा था कि न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट क्रिप्टो के बारे में भी कुछ इंट्रोड्यूस करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनीथिंग। सी, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो इन्वेस्टर के ऊपर है, बट एटलीस्ट आपको स्टूडेंट को नॉलेज तो देना चाहिए ICII। एनीवेज, विजय नायर, वेरी नाइस, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसको बोलते हैं AIF। लेट मी टेल यू, रियल एस्टेट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सी, यूजुअली सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एरियाज कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड। पब्लिक के पास पैसा आया नहीं कि सबसे पहले वही सोचता है वो कि मैं कब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, कब मैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, कब मैं थोड़ा रिस्क फ्री डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स ले लूं। सो रियल एस्टेट के बारे में पब्लिक बाद में सोचता है। मैं आपको बोलता हूं, फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई डिड नॉट थिंक ऑफ रियल एस्टेट एज अ इन्वेस्टमेंट एट ऑल। एक तो रियल एस्टेटमेंट का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी इतना होता है, प्लस इट इज नॉट इन योर परव्यू, राइट? सो इसके लिए उसको बोला गया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यूलिप इज अ पार्ट ऑफ योर म्यूचुअल फंड ओनली, इक्विटी यूनिट लिंक्ड इन्वेस्ट इंश्योरेंस प्लान, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ योर म्यूचुअल फंड। सो बेसिकली किसी भी इन्वेस्टर का एक पोर्टफोलियो अगर मेरे को बनाना हो, देन इन दैट केस दीज आर द वेरियस प्लेसेस दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, एम आई राइट? एंड बस इसी में से अब अपने को फोकस करना है एक अपने यू कैन से क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अब आप लोग ये चीजें ध्यान में रखना, फिक्स डिपॉजिट, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये लोग सब लोग क्या करते हैं आपको पता है ना? म्यूचुअल फंड क्या करता है, इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड उसको फिर बाद में इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, बराबर है? डिबेंचर बॉन्ड क्या करता है, रिस्क फ्री जगह पे इन्वेस्ट करके आपको रिस्क फ्री रिटर्न लाके देता है, द रिटर्न परसेंटेज इज लोअर बट रिटर्न लाके देता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, एम आई राइट एवरीबॉडी? फिक्स डिपॉजिट जो आप बैंक को देते हो, बैंक क्या करता है, वो फिक्स डिपॉजिट जो बैंक के पास है वो फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक आपसे लेगा और मार्केट में दे देगा एट अ हायर रेट। तो हायर रेट से फॉर एग्जांपल 10% बैंक को मिला, आपको बैंक दे रहा है 6%, 6%, तो जो 4% का स्प्रेड है वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। सो दिस इज हाउ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वर्क। रियल एस्टेट आपने कभी किसी को रेंट पे दे दिया, रियल एस्टेट में कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है, क्रिप्टो अपने स्टडी दायरे के बाहर है, बट मेरी बहुत इच्छा है मैं तुम लोगों को क्रिप्टो के बारे में बताऊं, ऑफ सेशन एक सेशन ले लूंगा मैं, मीन ऑफ द बुक्स ऑफ द रिकॉर्ड्स एक सेशन ले लूंगा मैं क्रिप्टो के ऊपर, एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो अगेन अपने को पढ़ना ही है एक प्रॉपर चैप्टर में। अब सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, किसी भी कंपनी को अगर किसी भी कंपनी को या इन्वेस्टर को, इंडिविजुअल को, पार्टनरशिप को, किसी को भी इन्वेस्ट करना हो, देन इन दैट केस कैन आई से उसको पोर्टफोलियो अपना एक सेट करना पड़ेगा, तो ही उसको पैसा मिलेगा। एवरीबॉडी से यस और नो, बराबर है? तो उसको एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, राइट? एंड आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, बिकॉज अलग अलग एसेट क्लासेस के अलग अलग रिटर्न्स है, बट अलग अलग रिटर्न्स के सामने इनके अलग अलग रिस्क है। तो कैसे ये रिस्क, हेलो, कैसे ये रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके एक ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो बनाया जाए इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, पोर्टफोलियो
मैनेजमेंट, समझ रहे हैं आप लोग? देखो हर बंदे को चाहिए कि मेरा सब जगह इन्वेस्टमेंट हो। आपको पूछूंगा ना, आप बोलोगे सर मुझे चाहिए म्यूचुअल फंड में भी हो, थोड़ा रिस्क फ्री में भी हो, थोड़ा गोल्ड सिल्वर में भी हो, थोड़ा इक्विटी शेयर में भी हो, थोड़ा क्रिप्टो में भी हो, थोड़ा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी हो, सबको सब जगह चाहिए, अच्छी बात है। बट आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका रिटर्न पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेशंस क्या है। रियल पोर्टफोलियो मैनेजर वही होता है जो इन दोनों को बैलेंस करके चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट रियल थिंग जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो अब ऐसा सोचो, अब एज यूजुअल मेरी जो आदत है, मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल के पास लेके जाऊंगा और फिर वहां से पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है वो करना सिखाऊंगा। मेरे को एक बात बताओ कि अगर किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो आप कैन आई से ये 8 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उसके साथ डिस्कस करेंगे, हाँ या ना? राइट गाइस, यू विल डिस्कस दीज 8 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसको बोलोगे आप एफडी में देख ये होता है, डिबेंचर में ये होता है, म्यूचुअल फंड में ये होता है, गोल्ड में ये होता है, इक्विटी शेयर्स में ये होता है। कौन से इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना है वो अपन उसको बताएंगे, वो अलग बात है। बट उसको आप खाली पहले एक रिस्क रिटर्न प्रोफाइल बता दोगे हर एक एसेट क्लास की। मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी पोर्टफोलियो अगर मैनेज करना हो आपको, देन इन दैट केस जो आपका क्लाइंट है वो आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है ना तो उसको आपके पास से खाली दो ही चीज चाहिए। एक, आप कितना अच्छा उसको रिटर्न्स लाके दे सकते हो। बट ऐसा भी ना हो कि पूरा का पूरा पैसा क्रिप्टो में लगा दिया। अभी मैं समझो आपको एक बात बोलता हूं, लास्ट एक साल में क्रिप्टो ने दिया है 1000% रिटर्न, इक्विटी शेयर्स ने दिया है 25% रिटर्न, गोल्ड सिल्वर ने दिया है 20% रिटर्न, म्यूचुअल फंड ने दिया है 18%, फिक्स डिपॉजिट ने दिया है 10%। तो आइडियली तो आंख बंद करके मैं क्रिप्टो में ही लगाना चाहिए, लास्ट एक साल में 1000% रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो समझो आप मेरे पास पैसा लेके आते हो तो क्या मेरे को सारा का सारा पैसा क्रिप्टो में लगाना चाहिए, हाँ या ना? जवाब दो। आप आए अपना हार्ड अर्न्ड मनी लेकर और मैं आपको बोलता हूँ अरे आप टेंशन मत लो, सारा का सारा पैसा आप क्रिप्टो में लगा दो, क्या ये सही एडवाइस होगी क्या आप लोगों के लिए, हाँ या ना? सोच समझ के जवाब देना। द आंसर इज अ ऑब्वियस नो। सर अपने को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक ही जगह पे सारा पैसा नहीं डालना चाहिए, राइट? सो इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हो पता है क्या? सर भले ही क्रिप्टो का रिटर्न्स बहुत ज्यादा है बट उतना ही वो लॉस भी तो हुआ है। बिटकॉइन $1000 से $10,000 भी गया है, बट सर $10,000 से $500 पे भी आ गया है। तो सर इतना रिटर्न के सामने उसका रिस्क भी तो है। एग्जैक्टली दैट इज द वर्क ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बैलेंसिंग ऑफ दिस रिटर्न्स विद रिस्क, बैलेंसिंग ऑफ दिस रिटर्न्स विद द रिस्क। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीबॉडी? बोलो बोलो चल चल। तो जब पोर्टफोलियो आपके, जब जब कोई इन्वेस्टर आपके पास, क्लाइंट आएगा आपके पास और आपको उसका पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? करेक्ट, द बैलेंसिंग ऑफ द रिटर्न्स एंड रिस्क। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होगा, अलग अलग लोगों का अलग रिटर्न प्रोफाइल होगा। मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के टाइम पे भी बताया था, वापस से बता रहा हूं, इफ पीपल लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट एंड तुम लोग मेरे पास आते हो कि सर हमारा पोर्टफोलियो बना के दो ना अच्छा वाला, हमको भी इन्वेस्ट करना है, तो मुझे पता है कि आप लोग आज की तारीख में रिस्क ले सकते हो, तो मैं इक्विटी शेयर्स में पोर्शन ज्यादा रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाऊंगा या डिबेंचर बॉन्ड नहीं खरीदूंगा, वो भी खरीदूंगा, बट प्रोपोर्शनेटली इट विल बी बैलेंस्ड। बट यही अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स मेरे पास आए और बोले कि हमारे को एक पोर्टफोलियो मैनेज करवा के दे, देन इन दैट केस फॉर देम इट विल टोटली बी डिफरेंट। फॉर देम इट विल बी मोर ऑन द फिक्स डिपॉजिट एंड बॉन्ड्स डिबेंचर साइड एज कंपेयर टू अ इक्विटी शेयर। व्हाई? बिकॉज एज पर द क्लाइंट आई हैव टू बैलेंस द रिटर्न्स एंड रिस्क।
बट ये जो बड़ी बड़े वर्ड्स है, रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न एंड रिस्क, इसको अगर मेरे को बैलेंस करना हो देन इन दैट केस, हेलो, इसको अगर मेरे को बैलेंस करना हो देन इन दैट केस, ये बैलेंस करने के लिए मुझे पता भी तो होना चाहिए रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है। तो चलो आओ, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डज द होल टर्मिनोलॉजी ऑफ रिटर्न मीन, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिस्क क्या होता है, और फिर इसको कैसे बैलेंस करके इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बनाना है, इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट गोल। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं कहां से कहां पे लेके जा रहा हूं? मैंने बोला था आपको भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मेजर फोकस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो बनाना है मेरे को डाइवर्सिफाइड, जिसमें बहुत सारे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आते हैं। हर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न फंसा हुआ है, कुछ रिस्क फंसा हुआ है, बराबर है। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स और द क्लाइंट्स एपेटाइट, मैं रिटर्न और रिस्क को बैलेंस करूंगा, मैं रिटर्न और रिस्क को बैलेंस करूंगा। बट उसके लिए मुझे पता तो हो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज अ रिटर्न एंड व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज अ रिस्क। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? एंड इसी चीज के ऊपर मैं आ रहा हूं मेरे सबसे फर्स्ट फंडामेंटल के ऊपर, एंड दैट इज कैलक्युलेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैलक्युलेशन ऑफ रिटर्न्स, कैलक्युलेशन ऑफ रिटर्न्स। गॉट इट? सो रिटर्न्स कैलकुलेट करना अब अपन को सीखना है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर के लिए बैलेंस करवाना है रिटर्न और रिस्क, तो पता तो हो रिटर्न होता क्या है, फिर बताऊंगा रिस्क होता क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को। रिटर्न का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, दुनिया में कितनी है हसरते, सॉरी, दुनिया में कोई भी एसेट होने दो, कोई भी एसेट क्लास होने दो इन्वेस्टमेंट का, 8 तुम लोग ने लिखा है, मैं बोल रहा हूं इसके अलावा और 80 होंगे, 80 होंगे, और 100 होने दो, रिटर्न्स कोई भी एसेट से दो ही तरह के हो सकते हैं। रिटर्न्स कोई भी एसेट से दो ही तरह के हो सकते हैं, एंड वो क्या है पता है क्या? एक, आपको उस एसेट से रेगुलर इनकम मिल सकता है, और दूसरा, उस एसेट की बदौलत कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट आपको कोई भी एसेट से नहीं मिल सकता है। चाहिए तो ये 8 जो इधर लिखे हैं वो देख लो। फिक्स्ड डिपॉजिट से आपको क्या मिल रहा है? रेगुलर इनकम के फॉर्म पे इंटरेस्ट, और कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है क्या? द आंसर इज नो। डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को देख लो, क्या मिल रहा है आपको? रेगुलरली इंटरेस्ट, और अगर वो ट्रेडेड होगा, बॉन्ड्स आर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट, वो ट्रेडेड होगा, देन इन दैट केस, उसके केस में आपको कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड के केस में क्या मिलता है? रेगुलर इनकम मतलब काइंड ऑफ, अगर आपने डिविडेंड प्लान लिया है तो डिविडेंड प्लान के हिसाब से डिविडेंड मिल सकता है, एंड दूसरा, आपका नैव बढ़ सकता है, विच इज नथिंग बट कैपिटल अप्रिसिएशन। क्या म्यूचुअल फंड से और तीसरा कोई भी इनकम आने का स्कोप है क्या? नहीं, आप मुझे बताओ, क्या म्यूचुअल फंड से और कोई इनकम आने का स्कोप है क्या? द आंसर इज नो। पर चलो लेते हैं गोल्ड सिल्वर, कैपिटल अप्रिसिएशन, किसी के पास गोल्ड गिरवी रख दो तो फिर आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा उसके ऊपर, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट इंटरेस्ट मिला, रेगुलर इनकम, बराबर है, और क्या हुआ? कैपिटल अप्रिसिएशन। कोई भी दुनिया का एसेट क्लास ले लो, इक्विटी शेयर्स, क्या मिल रहा है आपको उसमें से? डिविडेंड, वो भी दिया तो दिया, और कैपिटल अप्रिसिएशन, शेयर मार्केट में भाव बढ़ते जा रहे हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन। रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट किया और रेंट पे दे दिया, तो चलो रेंटल इनकम प्लस उसका लैंड है, बिल्डिंग है, भाव बढ़ गया, कैपिटल अप्रिसिएशन। क्या तीसरा और कोई जरिया है क्या मेरे को? आप लोग बताओ, कोई भी रिस्क एसेट क्लास में से रिटर्न कमाने का? द आंसर इज नो। ये चीज दिमाग में बांध लो, दिस इज नॉट फॉर सीए बट दिस इज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ।
आज के बाद आपको कोई पूछेगा ना रिटर्न्स क्या है या एसेट का, तो रिटर्न में दो ही चीजें आती है, एक वो एसेट से रेगुलर इनकम कितना आ रहा है, दूसरा वो एसेट का कैपिटल अप्रिसिएशन कितना हो रहा है, वो एसेट का कैपिटल अप्रिसिएशन कितना हो रहा है। हे समझी गुडू एवरीबॉडी, बोलो बोलो, टेल टेल यार, बोलते क्यों नहीं, और मैं चाहिए तो इधर एग्जांपल लिख देता हूं। आओ समझो, रियल एस्टेट है, समझो रियल एस्टेट है, तो उसमें से मेरे को दो ही तरह का इनकम आएगा, या तो रेंटल या प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गोज अप। सेकेंड सर, गोल्ड पर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? गोल्ड को तू गिरवी रख दे, मतलब किसी को चाहिए ऐसे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड को, कई जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं ना, ये सब में कभी इन्वेस्ट कर, तो उसमें वो लोग 2% का इंटरेस्ट भी देते हैं पर एनम, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में। अभी देखो मैं बोला ना, तुम लोग ने तो ये सब रियल लाइफ में किया नहीं, बट SGB सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको 2% इंटरेस्ट भी मिलता है, और जो गोल्ड का वैल्यू बढ़ रहा है वो तो है ही। हाँ समझा क्या? समझो म्यूचुअल फंड लिखता हूं मैं इधर, बराबर है? तो क्या आएगा? रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बराबर है? जो भी कंपनी को डिविडेंड मिला या कंपनी ने कुछ कमाया, दैट इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू द यूनिट होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड दूसरा वैल्यू ऑफ नैव बढ़ सकता है, वो कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ। वैल्यू ऑफ नैव चेंजेस, समझो। चलो आपका और मेरा फेवरेट इक्विटी शेयर्स ले लेते हैं यार, बराबर है? क्या आएगा अगेन? इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड तो अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, एज सच तो ये तो अपने को पता ही है, प्लस वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ शेयर चेंजेस, सो दिस इज ऑल्सो, यस सी भरत इज सेइंग 2.5%, ओके सो दैट इज वेयर 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड पे, पर यस वो भी टैक्स फ्री, मजे मजे मजे। चलो क्लियर एवरीबॉडी? रिटर्न क्या होता है? बस इसी से, से फॉर एग्जांपल चलो बॉन्ड ले लो, बॉन्ड या डिबेंचर ले लो, बॉन्ड्स लेते हैं बॉन्ड्स, इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है। तो बॉन्ड से अपने को रेगुलर इनकम क्या मिलता है? इंटरेस्ट। कैपिटल अप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैन गो अप एंड डाउन, सो चेंज इन वैल्यू ऑफ बॉन्ड। चेंज इन वैल्यू ऑफ बॉन्ड, समझ में आ गया एवरीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल। इसी से मैं डिराइव कर रहा हूं मेरा फॉर्मूला। आज के बाद में अगर आपको पूछता हूं किसी भी एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट क्लास का रिटर्न्स कैसे डिटरमाइन होता है, तो रिटर्न्स के लिए खाली दो ही तरीके हैं। क्या है वो दो ही तरीके? बोलो बोलो, चल चल एवरीवन। रिटर्न्स अर्न करने के दो ही तरीके हैं, क्या है वो दो ही तरीके बताओ ना, बोलते क्यों नहीं? कौन कौन? एवरीबॉडी हैज टू आंसर यार, करेक्ट। कहना है इससे रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, बराबर है? दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा, एंड दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन, समझ में आ गई एवरीबॉडी बातें आपको? परफेक्ट। बस इसी से मैं, सुनो सुनो सुनो, इसी से मैं डिराइव कर रहा हूं मेरा पहला फॉर्मूला, बधाई हो, ऐसा फॉर्मूला जो बहुत यूजफुल है, एंड तक आपको काम आएगा, बट अब आप उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब आप लॉजिकली समझ चुके हो, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डिराइव ऑल द फॉर्मूलाज।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल में फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। रिटर्न्स को अर्न करने के दो ही तरीके हैं, एक है रेगुलर इनकम, उसको बोल देते हैं अपन इनकम अर्न, प्लस दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन। कैन आई से कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब मैंने जो प्राइस पे इन्वेस्ट किया था, लेट दैट बी P0, और आज उसका जो प्राइस हो गया, मैंने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया, तब रिलायंस का शेयर था, प्राइस था 1,000 रुपीज, आज उसका प्राइस हो गया 1,500, तो क्या हुआ? कैपिटल अप्रिसिएशन। कैन आई से 1,500 आज का प्राइस माइनस 1,000 मैंने जितने में खरीदा था। सो इनकम अर्न, दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ से रियल एस्टेट का मेरा जो, यस यू कैन से रियल एस्टेट का मेरा जो रेंटल इनकम होता है वो, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। सो ये मेरा एक फिक्स्ड इनकम हो गया, एंड द अदर विल बी व्हाट, एंड द अदर विल बी कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन भाव बढ़ जाना, सिंपल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, भाव बढ़ जाना। आपने जो भाव पे इन्वेस्ट किया था, म्यूचुअल फंड के जो नैव पे इन्वेस्ट किया था, रियल एस्टेट के जो प्राइस पे इन्वेस्ट किया था, इक्विटी शेयर्स के जो शेयर प्राइस पे इन्वेस्ट किया था, उससे अगर भाव बढ़ गया, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज कैपिटल अप्रिसिएशन। देवी और सज्जनों, मेरा पहला फॉर्मूला यहाँ पे रेडी होने जा रहा है, रेडी होने जा रहा है, एंड दैट इज रिटर्न इज इक्वल टू इनकम प्लस, ठीक है, इनकम प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। ए समझ गए? आर वी क्लियर एवरीबॉडी? याद रहेगा ये लाइफ टाइम रिटर्न, कोई भी एसेट क्लास से दो ही तरह के रिटर्न आ सकते हैं क्या? या तो रेगुलर इनकम आई, या तो चेंज इन वैल्यू P1 माइनस P0, जो P0 जो भाव पे मैंने इन्वेस्ट किया था और उसके सामने आज क्या भाव हो गया, तो ये कैपिटल अप्रिसिएशन वाला हो गया और ये इनकम वाला हो गया। इससे ज्यादा तो और कुछ रिटर्न नहीं कमा सकता, यही मेरा रिटर्न बनता है, यही मेरा रिटर्न बनता है। समझ में आ गया क्या एवरीवन? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चेक 1 2 3, प्लीज कंफर्म। फॉर्मूला खुद से लिख पाओगे अभी से? चलो इसको थोड़ा और फॉर्मली लिख देता हूं। रिटर्न्स का फॉर्मूला अभी कोई आपको नींद में से भी जगा के पूछेगा, आप जवाब दे दोगे? पक्का श्योर? ओके, सो इनकम अर्न कुड बी डिविडेंड, कुड बी इंटरेस्ट, कुड बी रियल एस्टेट का रेंटल एटसेट्रा, और दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन जिसको अपन बोलेंगे P1 माइनस P0, ये सब मिला के अपॉन P0, सब मिला के P0। ओके, डन। सिमिलर फॉर्मूला टू MF रिटर्न्स, MF नहीं, दुनिया का कोई भी एसेट हो, रिटर्न का फॉर्मूला तो उसका यही बनेगा। इसके लिए एक जेनरिक रिटर्न का फॉर्मूला अपन लोग ने बना लिया है। P0 इज नथिंग बट माय करंट मार्केट प्राइस, सॉरी P1 इज माय करंट मार्केट प्राइस, P0 इज द मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज प्राइस और बेसिकली मार्केट प्राइस एट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट में आता है आपका P1 माइनस P0 विच इज नथिंग बट चेंज इन मार्केट प्राइस।
थिंग बट चेंज इन मार्केट प्राइस. समझे कि नहीं? लिख लो फटाफट. लिख लिया? एक एक फॉर्मूला अभी देखो मैं डिराइव करवाते जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से कहां पहुंचते जा रहे हो. पहले तो आप रिटर्न्स पे पहुंच गए. क्यों रिटर्न्स? क्योंकि मुझे पता तो रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करना है. क्लाइंट आएगा बोलेगा अरे इसका रिटर्न कितना है, तो क्या रिटर्न है? ये रिटर्न है, ये रिटर्न है. कोई भी एसेट का रिटर्न क्या है? ये रिटर्न. समझे? अब आ रहा हूं मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर. तो रिटर्न क्या है वो तो समझ में आ गया मेरे पास. अरे बोलो. अब एग्जाम्पल नंबर टू के ऊपर जा रहा हूं. अब चलो एग्जाम्पल नंबर टू पे आ रहा हूं. अब रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करना है ये तो मेरे को आ गया. अब आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझाता हूं. जब आप पैसा कमाने लगोगे ना तो क्या होगा? से मेरे साथ जो हुआ था, सबके साथ होता है. मेरा एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट था. पहले मेरे अकाउंट में आता था 10,000 रुपया महीने का स्टाइपेंड. 10,000 भी नहीं, 5,000, 7,000, 9,000. ये तीन स्टाइपेंड का रेट था. आज थोड़ा ऊपर नीचे हुआ रहेगा, दैट्स इट. तो बैंक वाला है ना, देखता था कि यार इसके अकाउंट में महीने का 9,000 रुपया आ रहा है. बराबर है? वो तो मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, सीए के अंडर काम कर रहा हूँ, सीए का काम सीख रहा हूँ. बट जो बैंक का मैनेजर है ना, वो बोलता था भाई क्या लुखा है यार, महीने का 9,000 कमा रहा है. वो मेरे तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था, आंख उठा के भी नहीं देखता था. फिर बाद में उसने देखा कि यार इसी बंदे का बैंक अकाउंट में 9,000 से अब महीने का 90,000 आ रहा है, 90,000 आ रहा है. क्या होगा? आप अगर समझो बैंक मैनेजर हो, आपका एक बैंक मैनेजर हो, आपका एक क्लाइंट है जिसका महीने का 9,000 आ रहा है, अब अचानक से उसका महीने का 90,000 हो गया, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप मेरे को बताओ, लॉजिकली आप उस क्लाइंट के लिए आप क्या करोगे? थोड़ा जो दो दिमाग में आए लगाओ. मेरे को चाहिए जितना तुम लोग पार्टिसिपेट करोगे ना, उतना मैं आउटपुट एक्सट्रैक्ट करवा के दूंगा, याद रखना ये बात. आप बैंक मैनेजर हो, आपने देखा यार ये बंदे को 9,000 रुपए आ रहा है महीने का, अब महीने का लास्ट एक साल से वो देख रहा है महीने का 90,000 रुपए आ रहा है कॉन्टिन्यूस एवरी मंथ, 90,000 क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट. व्हाट विल यू डू? वेरी नाइस. तो मेरे पास यहां पे देखो मस्त वाले यूनिक आंसर्स आना चालू हो गए हैं. टेल देम द वेरियस स्कीम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एचडीएफसी बैंक. वेरी ट्रू. एंड यही होता है, मेरे पास कॉल आना चालू. सर मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, सर मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ, सर मैं आपको मेरे स्कीम्स बेचना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट के, क्रेडिट कार्ड के, डिपॉजिट्स के, एवरीथिंग. मैं बोला ठीक है चल आ जा. यार पहली बार ऐसा कॉल आया अपने को, बैंक मैनेजर कॉल कर रहा है और बोल रहा है सर मैं आपको मिलना चाहता हूँ. अब वो छोटी सी उम्र में, 22 साल की उम्र में कोई आपको इतना इंपॉर्टेंस दे ना, तो थोड़ा मतलब लगता है अपने को एक अलग ही लेवल का इंपॉर्टेंस फील होता है यार. हाँ भाई कुछ तो लाइफ में उखाड़ा है, कुछ तो लाइफ में किया है कि बैंक का, इतने बड़े बैंक का मैनेजर मिलने आ रहा है. मैंने बोला यस सर वी कैन मीट, नो प्रॉब्लम्स. वो इमीडिएटली आया और उसने मुझे बोला कि सर आप हमारे, आपके पास सर देखो 90,000 रुपीज का आपको इनकम आ रहा है. जैसा कि आप, मैं आपके उसमें से देख सकता हूँ कि 50,000 रुपीज का आपके पास सरप्लस बच रहा है, तो ये सरप्लस को सर आप इन्वेस्ट करो ना, और आपको इसके ऊपर एक कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने को भी मिलेगा. मैं बोला हाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले इसके ऊपर. तो उसने बोला कि सर हमारा एचडीएफसी का एक सिक्योर्ड प्लान है, यूलिप प्लान है, एक्स वाई जेड फलाना ढिंकना, इनके तो 100 प्लान होते हैं, एक संकल्प प्लान भी है, एक संकेत प्लान है, एक कोई तो भी प्लान है. तो दुनिया भर के इन लोगों के पास प्लान है. बोलते हैं सर आप ये प्लान में इन्वेस्ट करो. मेरे को मेरा नाम अच्छा लगा. मैं बोला मैं संकल्प प्लान में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. तो उसने बोला सर संकल्प प्लान में इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. मैं बोला मैं कैसे मानू?
तू मुझे खुफिया बना रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सच्ची में इसको इतना प्लान में इतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं। बराबर है कि नहीं? आजकल भरोसा नहीं है, कोई भी किसी को भी यार बना के चले जाता है। तो उसने मुझे क्या बोला पता है क्या? सर मैं समझ रहा हूं आपका कंटेंशन कि हो सकता है आपको डर लग रहा है कि भाई कहीं ये इतना रिटर्न मिला है नहीं, तो उसके लिए वो क्या लेकर आया पता है क्या? वो लेकर आया अपना पास्ट डाटा, वो अपना पास्ट डेटा लेकर आया मेरे पास। और उसने क्या बोला पता है क्या? सर आप है ना ये HDFC के संकल्प प्लान में डालो, HDFC के संकल्प प्लान में डालो, ये काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान है सर, आप ये संकल्प प्लान म्यूचुअल फंड वाले में डालो, इसमें सर मैं आपको बताता हूँ लास्ट 5 साल के रिटर्न। सर सर इसमें मैं आपको लास्ट 5 साल के रिटर्न बताता हूँ। मैं बोला हाँ बता बता कितना रिटर्न है। उसने मुझे बोला कि सर देखो आपको कितना रिटर्न चाहिए। मैं बोला 15% रिटर्न मेरे को चाहिए। वो बोला कि सर मैं आपको पास्ट का रिटर्न बताता हूँ, सर आपको एवरेज 15 से तो ज्यादा ही रिटर्न दूंगा। मैं बोला दिखा ना, तो बोला सर देखो लास्ट ईयर 20% रिटर्न आया था सर, उसके भी पहले सर 25% तक गया था। सर ईयर 3 में सर थोड़ा कोविड का टाइम आ गया सर, तो 15% हो गया सर। सर उसके बाद भी, उसके अलावा भी सर 10% तो था ही सर, और उसके बाद वापस से ग्रोथ आना चालू हो गया सर 12%। समझ रहे हो? तो ये उसके पास्ट 5 ईयर्स का डेटा है, ये उसके पास्ट 5 ईयर्स का डेटा है। अब किसी के भी लास्ट 5 ईयर्स का अगर डेटा मेरे को मिलता है, देन इन दैट केस कैन आई से मेरे को पता चल जाता है कि उसका एवरेज रिटर्न कितना आएगा। बराबर है? तो मैंने बोला कि हाँ तो कितना एवरेज रिटर्न हुआ? तो उसने इमीजिएटली मेरे को उसके कंपनी का, उसके म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करके दिया, एंड विच विल बी हाउ मच ये मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, ये तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। वो HDFC का बैंक मैनेजर आया और उसने बोला कि सर ये पास्ट 5 साल का डेटा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 25% ही मिलेगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको 10% मिलेगा, बट सर क्या आप भी मानते हैं कि आप 4-5 साल अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा ये तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ कर सकता हूं, तो आओ देखते हैं हमारे ये 12% नहीं 16% है, सॉरी 16%। हाँ आओ देखते हैं कितना एवरेज रिटर्न कमा के दे रहा है संकल्प प्लान इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। बोलो बोलो चल चल, सब लोग का आंसर रॉन्ग है, सब लोग का आंसर रॉन्ग है। शे इतना भी कैलकुलेट करने को नहीं आता है तुम लोग। ओके बोलो बोलो जल्दी। पब्लिक बोल रहा है वेरी नाइस, पब्लिक बोल रहा है सर ये तो कितना सिंपल सा चीज है, 20 + 25 + 15 + 10 + 16 डिवाइड बाय 5 करना आपको मिल जाएगा 17.2% एवरेज रिटर्न। एम आई राइट एवरीबॉडी? करेक्ट है, करेक्ट है सर, 17.2 का एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, पास्ट डेटा को कोलेट किया और उसके बेसिस पे एक एवरेज निकाला, उसके बेसिस पे एक एवरेज निकाला, गिविंग राइज टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज एवरेज रिटर्न। जी हाँ, देखते ही देखते अपन लोग आ गए हैं अपने दूसरे फॉर्मूला के ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रिटर्न। सो यहां पे क्या आएगा, सुनो ना यहाँ पे क्या आएगा, ये एवरेज रिटर्न मैंने किस डेटा के ऊपर कोलेट किया? कैन आई से दिस एवरेज रिटर्न इज प्योरली बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, इज प्योरली बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। सो एवरेज रिटर्न बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। अच्छा मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करके बताया तुम लोग ने, क्या स्मार्ट लोग है यार, पूरा एवरेज रिटर्न खुद से कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? कैन आई से तुम लोग ने किया सम ऑफ पास्ट ईयर्स रिटर्न, एम आई राइट, सम ऑफ पास्ट ईयर्स रिटर्न
उसको क्या किया, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ इयर्स का डेटा था वो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच डेटा वॉज अवेलेबल, नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच डेटा वॉज अवेलेबल, हाउ मेनी इयर्स डेटा वॉज अवेलेबल, 5 years, सम ऑफ फाइव पास्ट इयर्स रिटर्न 20, 25, 15, 10, 16, एंड इसी से गाइज मुझे मिल गया मेरा एवरेज रिटर्न विच इज नथिंग बट एक्स बार, विच इज नथिंग बट एक्स बार, समझा क्या? क्लियर? ये बनता है मेरा, ये बनता है मेरा फॉर्मूला नंबर टू, फॉर्मूला नंबर टू विच इज एक्स बार। कभी भी याद रखना एवरेज रिटर्न इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स बार, ए बार जो भी है बार, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, जितने भी है सम ऑफ इंडिविजुअल रिटर्न, सी एक्स मतलब जितना भी एक्स वन टू एक्स थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव चाहिए तो ऐसा लिख सकते अपन, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स फाइव, सो बेसिकली समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स, क्लियर एवरीबॉडी? समेशन एक्स अपॉन एन, एंड हियर इज माय नेक्स्ट फॉर्मूला, हियर इज माय नेक्स्ट फॉर्मूला। हे संजीगड़ू, गच्चा एवरीवन, विल यू एवर फॉरगेट इट? समझ रहे हो ना? तो पहला रिटर्न, रिटर्न में दो ही तरीके होते हैं, दो ही चीजें होती है, फिर उधर से मैं कहां पे गया, एवरेज रिटर्न, एचडीएफसी वाला आया बोला पास्ट डेटा सर, पास्ट डेटा के बेसिस पे आ गया ये मेरा एवरेज रिटर्न। इधर चाहिए तो अपन लोग लिख लेते हैं भाई, वे एक्स बार इज इक्वल टू एवरेज रिटर्न, एक्स इज इक्वल टू इंडिविजुअल रिटर्न ऑफ डिफरेंट ईयर्स, एंड लास्ट है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। गच्चा एवरीबॉडी? यस, समझ गए? दिमाग में अच्छी तरह से घुस रहा है सब? कभी भूलेंगे नहीं, वादा रहा? डन डन डन। अब डन, अब हुआ क्या पता है क्या, 90,000 पर मंथ कमाते गया, एचडीएफसी बैंक वाले आए, उन्होंने देखा, उन्होंने सब मेरे को दिया और सब कर दिया, और उन्होंने देखा कि यार ये बंदा 5 साल बाद, ठीक है ना, देखो मैं अराउंड 5 साल तक जेपी मॉर्गन में था, तब तक उन्होंने देखा कि यार बंदे का सैलरी महीने का चलो 2-3 लाख रुपए जो भी है कमा रहा है फॉर एग्जांपल। अब उन्होंने नोट करना चालू किया कि यार ये बंदा तो अब करंट अकाउंट खुलवा रहा है। आदमी करंट अकाउंट कब खुलवाता है? देखो एक होता है आपका सैलरी सेविंग्स अकाउंट, आदमी करंट अकाउंट कब खुलवाता है बोलो बोलो, चल चल, आदमी करंट अकाउंट कब खुलवाता है? करेक्ट, जब उसको बिजनेस चालू करना हो। तो मैंने एचडीएफसी में कॉल किया और बोला कि यार मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है, एग्जैक्टली क्लासेस चालू करना था मुझे, तो क्लासेस का अगर मुझे बिजनेस चालू करना है तो मुझे तो करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अरे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बराबर है? द आंसर इज यस। सो मुझे वापस से एचडीएफसी वालों का कॉल आया कि सर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? मैं बोला हाँ, मैं टीचिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने पढ़ाना जेपी मॉर्गन के साथ ही कर दिया था चालू, कभी बताऊंगा फुर्सत में आपको वो भी कहानी।
वॉट कहने का मतलब यह है दैट मैंने बिजनेस फुल फ्लेजेड चालू कर दिया जेपी मॉर्गन छोड़ के, और मैंने बोला कि चलो बॉस अब टाइम आ गया है कि मैं एक करंट अकाउंट ओपन करवाऊं। तब मेरे पास वापस से HDFC का बैंक मैनेजर आया और आके बोला, क्या पता है क्या बोलता है कि सर हम एक नया फंड लॉन्च कर रहे हैं और उस फंड का नाम है बिजनेस ग्रोथ फंड। मैं बोला क्या रे ये बिजनेस ग्रोथ फंड? बोलता है सर टोटली न्यू फंड है, आपके बिजनेस में से आप जो थोड़ा बहुत पैसा बचाओगे वो पैसा आपका इधर उधर गलत जगह पे एक्सपेंस आउट ना हो जाए उससे अच्छा आप ये बिजनेस ग्रोथ फंड में डाल देना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक अच्छा कॉर्पस को बना के दे देगा और फिर जब आपको बिजनेस को एक्सपांड करना हो तो आप यहां से पैसा ले सकते। उसने बहुत प्यार से समझाया कि उसने बोला कि सर देखो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इनिशियली थोड़ा लॉसेस होता है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, कई कबार नहीं जानना होता है वहां पे भी आप खर्चे कर लोगे, पता नहीं चलता है। सर अब बिजनेस कर रहे हैं आप भी नए हो बिजनेस में, बोला बात तो सही है। तो उसने बोला सर एक ऐसे टाइम पे बिजनेस ग्रोथ फंड हम जस्ट नया ला रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए, कि ये जो ग्रोथ फंड है इसमें अगर आपका पैसा आया तो ये एक सिक्योर्ड हो जाएगा और फिर ग्रो होते जाएगा। मैं बोला बट मैं इस फंड में क्यों पैसा डालूं, मैं इसे अच्छा FD में ना डालूं? आइडिया अच्छा है कि चलो थोड़ा बिजनेस से साइड पे पैसा रख लेना चाहिए और कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बट मैं ये बिजनेस ग्रोथ फंड में क्यों डालूं भाई? मैं उससे अच्छा मैं कोई FD-FD में ना डाल दूं। अगेन वो आया और उसने बोला कि सर देखो FD में डालोगे तो कितना टका मिलेगा इतना। सर मैं आपको एक बात बताता हूं। क्या? मैं बोला क्या क्या अभी क्या बताएगा, तेरा ये तो ये नया फंड है, तेरे पास तो पास डेटा भी नहीं है। उसने बोला सर मैं हूं ना सर, मुझे बोलने दीजिए ना सर। मैं बोला हाँ बोल ना, क्या बोलेगा तू, अभी तो तेरे पास पास डेटा भी नहीं है। उसने बोला सर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करके देता हूँ। बोला कैसे करेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट? तो यहाँ पे वो हीरो मेरे पास आया, सुना ना ध्यान से सुना, वो हीरो मेरे पास आया और बोलता है कि भाई मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न तेरे को सर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, एंड सर दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा। तो मैंने इमीडिएटली बोला यार फ्यूचर का कोई सर्टेनिटी थोड़ी है, फ्यूचर में जो तू बोल रहा है वैसा नहीं हुआ। तो सर मैं सब चीज को गिन रहा हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छा ही होगा, बुरा भी हो सकता है। सर अच्छे का बहुत अच्छा भी हो सकता है अगर बुरा हो सकता है तो? मैं बोला हाँ तो दोनों चीज पॉसिबल है, करेक्ट। तो वो बंदे ने क्या बोला, सर तो दोनों प्रोबेबिलिटी इंक्लूड कर लेते हैं। मैं बोला क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? उसने फिर बोला मुझे कि सर देखो हो सकता है कि हम जहां पे इन्वेस्ट करें, हम जब इन्वेस्ट करें आपका 5 साल के लिए, हम समझो आपने बिजनेस ग्रोथ फंड में डाला ठीक है, ये ग्रोथ फंड का पैसा हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और आपको रिटर्न्स लाके देंगे। मैं बोला हाँ सर अगर मार्केट अच्छा रहा, इकोनॉमी अच्छा रहा, समझो इकोनॉमी एकदम अच्छी तरह अच्छे कंडीशन में चल रही है अपनी और FII भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर इकोनॉमी अच्छी रही तो सर 20% रिटर्न मिलेगा। मैं बोला हाँ अच्छा आप मुझे बताओ इकोनॉमी अच्छी रहेगी उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, चलो बताओ, बोलो बोलो टेल टेल। फिर उसने मुझे बोला कि सर इंडिया का सर मीडियम इकोनॉमी भी रह सकता है और इंडिया का सर बैड इकोनॉमी भी हो सकता है, सर वी डोंट वांट इट बट सर कुछ बोल नहीं सकते, सर मार्केट फोर्सेस है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोला हाँ कुछ भी हो सकता है तो तू ही बता दे क्या। तो उसने बोला कि सर देखो मीडियम इकोनॉमी हुआ ना एकदम खराब से खराब टाइम, सर तो भी अपने 12% तो अपने निकाल ही लेते हैं सर। सर और बैड इकोनॉमी हुआ एकदम वर्स्ट टाइम, तो चलो आपको आपके FD जितना रिटर्न दे दिया सर 8% का रिटर्न दे दिया। बोला हाँ एकदम बराबर, अगर बहुत अच्छा रहा तो 20, 12, 8। उसने बोला सर मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा बट कुछ तो आपको लग रहा होगा चांसेस क्या है कि सर ये इतना ऐसा ऐसा है। वो मैंने उसको बोला कि सुन ऐसा कर ऐसा कर, तू तीनों को अप्रोक्सीमेटली चल इसको 30% दे दे, इसको 40% दे दे और इसको 30% दे दे। उसने बोला ठीक है सर, तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न, समझ रहे हो क्या आप लोग? उसने बोला जैसा आप बोले सर, तो यहाँ पे भी सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ये होने का 6 प्लस, मैं बोला बराबर है 8, बराबर है सर प्लस 2.4। सर एकदम बुरे के बुरे टाइम में भी
सर मैं आपको 16.4% का एक एवरेज दे रहा हूँ, और ये प्रोबेबिलिटी तो आप ही ने दिया है बिजनेस को कि भाई ये बिजनेस ग्रोथ फंड में क्या रिटर्न का चांसेस है। बोला बात तो सही है यार। वो बोलता है कि सर 8% तो आपको वैसे भी ये देने वाला है फिक्स डिपॉजिट, सर मैं आपको डबल रिटर्न लाके दे रहा हूं, वो भी प्रोबेबिलिटी गिवन बाय यू ओनली सर। बात में दम तो है कि यार अगर ऐसा सिनारियो है तो आइडिया तो अच्छा है। उसने बोला एग्जैक्टली सर वही बता रहा हूं। सो दिस दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन आई से इज बेस्ड ऑन ऑलवेज ऑन प्रोबेबिलिटी और चांस, इज ऑलवेज ऑन प्रोबेबिलिटी और चांस। 13.2 है, चल ठीक है 13.2 डाल दो यार। कैसे? सेकेंड गलत है। ओ मैंने 20x40 ले लिया, सॉरी। कितना आता है 20 12 x 40? 4.8। तो 10 12 13.2, तो भी क्या खोटा सर। 8% आपको मिल रहा है सर, 1 करोड़ रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया 8% मिल रहा है, और 1 करोड़ इन्वेस्ट करो 13.2 पे, और उसको कंपाउंड करो, कितना डिफरेंस आएगा सर? बोला बहुत डिफरेंस आएगा, देखते ना। समझो समझो मैं 10 लाख रुपए डालता हूँ, 10 लाख को मैं 8% पे कंपाउंड करता हूँ 5 साल, प्लस 8% 4 5 14,69,000 हुआ सर, बराबर है। अब सर 10 लाख को 13.2 पे कंपाउंड करो, 1 2 3 4 5 वन इज 14 लाख, अदर इज 18,58,000, अ डिफरेंस ऑफ 4.5 लाख इफ इन्वेस्टेड एट अ प्रॉपर प्लेस। ये उसने मुझे एग्जाम्पल दिया, उसने मुझे ये कैलकुलेशन करके दिखाया, और मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। बोला यार बात तो सही बोल रहा है तू बेटा, 13.2% इज अ बेटर रेट। एंड दैट इज वेयर, समझ रहे हैं क्या आप लोग, दैट इज वेयर हम लोग ने हमारा थर्ड फॉर्मूला इवॉल्व किया, विच इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। गाइस विच इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ये 6 कैसे आया तुम लोग को समझा ना, रिटर्न्स इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी। ए समझ गए? बोलो बोलो, चल चल। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अगर ये फॉर्मूला बनाना हुआ तो विद योर परमिशन कैन आई से फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है, इसको भी एक्स बार ही बोलते हैं। एक्स बार विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड रिटर्न। कभी भी पास्ट डेटा पे हो तो बेटा उसको बोलते हैं एवरेज रिटर्न। क्यों? क्योंकि ये पास्ट डेटा के ऊपर था, बराबर है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके ऊपर होता है? फ्यूचर डेटा के ऊपर। बट होना तो उसको आज नहीं तो कल एक्स ही है, होना तो उसको आज नहीं तो कल एक्स ही है। चलो चलो। एक्स बार इज इक्वल टू क्या? आपने क्या किया? रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी किया, रिटर्न परसेंटेज इनटू प्रोबेबिलिटी परसेंटेज किया, और इसका समेशन कर लिया। रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी 1 2 3 और सबका समेशन कर लिया। इसमें डिवाइड बाय एन को करने की जरूरत नहीं है, इसमें डिवाइड बाय एन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स। समझे क्या आप लोग? किसी को कोई शक कोई डाउट? सो फाइनली दिस विल बिकम एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी परसेंट, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी परसेंट, एक्स
इनटू प्रोबेबिलिटी पर्सन और उसका समीशन। गच्छा एवरीवन, क्लियर? फॉर्मूला याद हो रहा है, लॉजिकली भी समझ रहा है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलवेज बेस्ड ऑन, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलवेज बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा। सो अभी तक अपन लोग ने कितने फॉर्मूला सीख लिए, बोलो बोलो, टेल टेल। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कितने फॉर्मूला सीख लिए, समझ लिए, बताओ? तीन फॉर्मूला। पहला पहला क्या था? रिटर्न का फॉर्मूला। पहला 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 क्या था? रिटर्न्स का फॉर्मूला। रिटर्न्स के फॉर्मूले में हम लोग ने क्या सीखा? करेक्ट, P1 - P0 प्लस इनकम अर्न बराबर द होल डिवाइड बाय P0। याद रहेगा, इस रिटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इस रिटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक एवरेज रिटर्न विच इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, जिसको एक्स बार बोलेंगे, विच विल बी कैलकुलेटेड एज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स द होल अपॉन एन। एंड थर्ड है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा, बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा, विच इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी। क्या ये खाली मुझे याद हुआ या तुम लोगों को भी याद हो गया यार? हाँ यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन दोनों को बोलते एक्स बार ही है, याद रखना, इन दोनों को बोलते एक्स बार ही है, समझे क्या? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? इधर तक सब सही जा रहे अपन? अब नेक्स्ट, बहुत रिटर्न रिटर्न खेल लिया, बहुत रिटर्न रिटर्न खेल लिया, अब जरा रिटर्न के साथ और एक चीज जुड़ी हुई है उसके ऊपर भी ध्यान करें क्या? विच इज व्हाट? रिस्क। तो बस कोई भी दुनिया का इन्वेस्टर हो, वो जब आप उसको रिटर्न दिखाओगे ना, इमीडिएटली वो पूछेगा रिस्क का क्या, रिस्क कितना है ये सब के ऊपर। जब मेरे पास HDFC मेलव मैनेजर आया तो मैंने भी बहुत ध्यान से पूरा उसका रिटर्न का सब चीज सुन लिया, बट इमीडिएटली मेरा भी डर, रिस्क मतलब वही एक लगता है ना अपने को, पैसा डूब गया तो क्या। सो इमीडिएटली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बॉस ये सब में रिस्क कितना है, ये सब में रिस्क कितना है। तो HDFC का मेरे पास मैनेजर आया था, याद है क्या तुम लोग को? HDFC का मैनेजर आया था, उसने क्या रिटर्न दिखाया था मेरे को? HDFC का मैनेजर ने सबसे स्टार्टिंग में क्या रिटर्न दिखाया था? कहने से 20, 25, 15, 10, 16 बराबर है। तो वो मैनेजर आया मेरे पास और बोलता है कि सर देखो, ये आपका ईयर 1, 2, 3, 4, 5, देखो उसको तो प्लान बेचना है तो वो तो सब अच्छी अच्छी बातें ही करेगा, तो उसने मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें ही की। उसने बोला कि सर ये देखो, इसका रिटर्न है 20%, इसका रिटर्न है 25, इसका है 15, 10 एंड 16। मैंने बोला रिटर्न है रिटर्न है, ये सब ठीक है। फिर उसने मुझे ऑन द स्पॉट खुद ही कैलकुलेट करके भी दे दिया, क्या सर ये देखो एवरेज रिटर्न आ रहा है अपना 17.2%। मैंने बोला सब ठीक है भाई, बट रिस्क कितना है ये सब का? वो रिस्क का भी बात कर तू? बोला हाँ सर करता हूं ना, किसने मना किया? अब सुनो, रिस्क क्या है, थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे इसको, ध्यान से समझना और फिर फॉर्मूला में डिराइव करेंगे, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूं रिस्क क्या है। बेसिकली व्हाट इज योर रिस्क? कोई भी चीज में आप अभी समझो, फॉर एग्जांपल आप लोग का पढ़ाई है,
ऐसा फर्ज करो कि तुम्हारा एग्जाम है, और ऐसा फर्ज करो कि तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हारे को एग्जाम में तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस है मार्क का से आना चाहिए 60 मार्क्स, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, AFM में आना चाहिए 60 मार्क्स। अब दो चीज हो सकती है, ठीक है, 60 से ज्यादा भी आ सकता है, 60 से कम भी आ सकता है। रिस्क अब तक अपन लोग ने क्या सोचा है इज ऑलवेज नेगेटिव, जरूरी नहीं है, रिस्क कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव। देखो इधर क्या लिखा है शशेखर ने, अनेबल टू मीट एक्सपेक्टेशन, एक नेगेटिव टोन जा रहा है उसका रिस्क के लिए। बट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में इट इज नॉट ऑलवेज यू नो सो बैड, सो रिस्क कैन बी पॉजिटिव एज वेल। तो उसको मैं पूछूंगा कि बॉस रिस्क का क्या सीन है, तो रिस्क मतलब क्या हुआ, मेरा कितना रिटर्न मेरे एवरेज रिटर्न से डिविएट हो रहा है। मैंने तो ये मन में मान लिया है कि मेरे को 17.2% का रिटर्न मिलेगा, मैंने तो ये मान लिया है कि मेरे को 17.2 का रिटर्न मिलेगा। अब अगर मेरे को 17.2% का रिटर्न मिलने वाला है, इतना ही मिला तो आई एम ओके विद इट, देर इज नो रिस्क। बट अगर उससे कम मिला तो नेगेटिव रिस्क, अगर उससे ज्यादा मिला तो पॉजिटिव रिस्क। इन शॉर्ट अब मैं उसको बोलूंगा कि तू एक रिस्क प्रोफाइल बना के दे। तो रिस्क क्या है, कहना इसे डिविएशन, हेलो ध्यान से सुनना, रिस्क क्या है, कहना इसे डिविएशन ऑफ एवरेज रिटर्न फ्रॉम द इंडिविजुअल रिटर्न दैट वी आर गेटिंग। भाई रिस्क क्या है, रिस्क इज नथिंग बट डिविएशन ऑफ एवरेज रिटर्न डिविएशन ऑफ एवरेज रिटर्न फ्रॉम द इंडिविजुअल रिटर्न। भाई मैंने सोचा था इंडिविजुअली मेरे को 60 मार्क्स आना चाहिए, से 55 आया, सो देर इज अ डिविएशन, राइट। सो रिटर्न एवरेज रिटर्न। अब आ जाते हैं अपन लोग इधर रिस्क के ऊपर, रिस्क के ऊपर हमने क्या सोचा था, मेरा क्या है रिटर्न, एवरेज रिटर्न 17.2, बट आया कितना 20, तो ये तो अच्छी बात है, तो 20 माइनस 17.2, मैं बोलूंगा ये तो मेरा पॉजिटिव रिटर्न हो गया, एंड दैट इज हाउ मच 2.8। समझ रहे हैं क्या आप लोग, क्लियर एवरीबॉडी, व्हाट इज रिस्क, कोई भी मेरे एवरेज या मेरे एक्सपेक्टेशन से अगर वो डिविएट हो गया वो रिस्क है मेरे लिए, सिंपल। सो अब नेक्स्ट 25, 25 आ गया बट मेरे को एक्सपेक्टेड था 17.2, पॉजिटिव है ये चीज, बट इट इज अ पॉजिटिव रिस्क, रिस्क तो है वो। नेक्स्ट अब देखो मैंने सोचा था 17.2, ओ नो 15 ही आया, नेगेटिव रिस्क, समझ रहे हैं आप लोग, -7.2 एंड -1.2, गॉट इट, बोलो डन। अब ये सबको ऐड करो, ये सबको ऐड करो, कितना आ रहा है देखो 2.8, 7.8, 8, सबको ऐड करो कितना आ रहा है देखो, जरा बताओ मेरे को फटाफट, आई एम वेटिंग, टेल मी गाइस कितना आ रहा है, बोलो बोलो, चल चल जीरो, द आंसर इज दिस विल ऑलवेज कम जीरो। मैथमेटिकली थिंक, अपन लोग ने एक एवरेज निकाल लिया है, अरे मैथमेटिकली सोचो ना, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, अपन लोग ने इसका एवरेज निकाल लिया है। अब यहां से इसको माइनस किया, यहां से इसको माइनस किया, यहां से इसको माइनस किया, यहां से इसको माइनस किया और सबको ऐड कर दिया, तो घूम फिर के तो जीरो पे ही पहुंचोगे ना, अबे समझे क्या मैथमेटिक्स। एंड देयरफॉर सुनना ध्यान से, एंड देयरफॉर बोला कि रिस्क
ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन जीरो, एंड देयरफॉर बोला ये जो रिस्क है उसको स्क्वायर कर दो, ये जो रिस्क है उसको स्क्वायर कर दो, तो आया 2.8 स्क्वायर 7.84, फिर आया 7.8 स्क्वायर 60.84, 2.2 स्क्वायर 4.84, 7.2 स्क्वायर 51.84, 1.2 स्क्वायर 1.44, 1.44, बोलो कितना आ रहा है टोटल? नितिन, बेसिकली कहने का मतलब है, देख जब यहां पे भी किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, देख अभी तेरे पास आज की तारीख में तेरे को इन्वेस्ट करना है तो तेरे पास तो पास्ट रिटर्न्स ही है, तो तू तो जो भी कैलकुलेशन करेगा तेरे पास्ट के हिसाब से ही करेगा ना राजा, तो यहाँ पे 17.2 है तो तू उसको पास्ट रिटर्न के साथ कैलकुलेट करके देख रहा है कि भाई क्या रिस्क बैठ रहा है पास्ट रिटर्न के केस में, क्योंकि तेरा एवरेज रिटर्न भी तो पास्ट रिटर्न के बेसिस पे है, तो रिस्क भी तू उसी पास्ट रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट करके देख रहा है, समझ रहा है एवरीबॉडी? नितिन समझा तेरे को तेरा डाउट? तो मैथमेटिकली रिस्क अगर तुम लोग देखोगे तो जीरो ही हो जाएगा, कोई भी सम उठा लो मैथमेटिकली ये जीरो ही हो जाएगा, तो इसके लिए बोला रिस्क स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो मैंने क्या किया सबका स्क्वायर कर दिया फट 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 फट, मैंने देखो ये 2.8 का स्क्वायर किया, 7.8 का स्क्वायर किया, ऐसे मैं सबका स्क्वायर करते गया। अब सुनो ना, अगर मैं सबका इधर स्क्वायर कर रहा हूं तो रिस्क स्क्वायर का टोटल देखो, मेरे होशियार बच्चों ने इधर जवाब दे दिया है, एंड दैट इज 126.8, एंड दैट इज 126.8, समझ में आया? बट ये क्या आया, ये तो रिस्क स्क्वायर आया ना बेटा, अपने को रिस्क स्क्वायर चाहिए क्या? अपने को तो रिस्क चाहिए, तो इसका क्या करेंगे तो रिस्क स्क्वायर हट जाएगा भाई, रिस्क स्क्वायर इज इक्वल टू 126.8, मैथमेटिकली कोई भी स्क्वायर को हटाना हो तो क्या करेंगे? करेक्ट, देयरफॉर रिस्क इज इक्वल टू उसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 11.26, ये हो जाएगा 11.26। क्या आपको कैलकुलेट करना आया रिस्क एवरीवन? बोलो बोलो टेल टेल। बट अब एक चीज और करनी बाकी है, क्या क्या याद करो याद करो, क्या एक और चीज करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। करेक्ट, बस ये जो है उसको डिवाइड भी अपने को करना पड़ेगा विद द नंबर ऑफ आइटरेशंस। यहां पे से फॉर एग्जांपल मेरे पांच है तो मेरे को पांच से डिवाइड करना पड़ेगा। एक सेकंड ना गाइस, यस, तो बस उसको उसके नंबर ऑफ आइटरेशन से डिवाइड कर दो, सो ये आपको मिल जाएगा, रिस्क था 126.8 डिवाइड बाय एन, एंड देयरफॉर रिस्क विल बी इक्वल टू कितना? बोलो बोलो टेल टेल। नहीं, 11.26 को डिवाइड नहीं करना है, समेशन के अंदर ही डिवाइड करना है, सो 5.04। सो डन एवरीबॉडी। सो देखो अपन लोग ने अभी क्या किया, अपन लोग ने अभी क्या किया, पहले तो रिटर्न फाइंड करना सीखा, एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया, सो ये एवरेज रिटर्न मेरा आ गया 17.2। यस सर। अब मैं सोचता हूं कि चलो मैं रिस्क कैलकुलेट करना सीखता हूं, तो मैंने रिस्क कैलकुलेट करना सीखा, कैसे करूं रिस्क कैलकुलेट, तो रिस्क होता क्या है दिमाग लगाओ, जो आपका एवरेज रिटर्न जो एचडीएफसी वाला बोल के गया है
और उसके सामने कितना रिटर्न आएगा, अब कितना रिटर्न आएगा वो तो पता नहीं है, तो ये एवरेज रिटर्न पास्ट डेटा पे है, तो मैं कंपैरिजन भी पास्ट डेटा के साथ ही करूंगा, क्यों नितिन, सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ, सही है। अब मैंने उसको कंपेयर करना चालू किया कि भाई पास्ट रिटर्न के बेसिस पे पास्ट रिस्क क्या होगा, वही फ्यूचर में कंटिन्यू होगा करके। सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड कैलक्युलेटिंग रिस्क। पर रिस्क को जब मैं समेट करता हूं, ये मेरा रिस्क है, ये कंफर्म है, फायदा बराबर ही है, बट इसको मैं जब सम करता हूं तो साला ये हो जाता है जीरो, तो इसके लिए मैंने किया इसको स्क्वायर, एंड दैट इज वेयर फिर वो स्क्वायर में से मैंने क्या किया, एक रूट डाल दिया तो स्क्वायर निकल गया, एंड फाइनली आई गॉट द रिस्क, आई गॉट द रिस्क। समझ में आया एवरीबॉडी? तो क्या मैं बोल सकता हूं पहले अपन लोग ने रिस्क स्क्वायर कैलकुलेट किया? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, कैसे कैलकुलेट किया? समेशन, पहले अपन लोग ने रिस्क स्क्वायर कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया? एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, इसका समेशन। तो इसको ऐसे प्रेजेंट कर लेते हैं, द होल स्क्वायर बराबर है, इसको प्यार से बोलते हैं वराएंस, इसको प्यार से बोलते हैं वराएंस, क्या बोलते हैं? वराएंस, रिप्रेजेंटेड एस वराएंस स्क्वायर बराबर है द होल, ऑब्वियसली याद रखना, डिवाइड बाय एन। एंड जब मेरे को यहां से, ये तो रिस्क स्क्वायर हुआ, स्क्वायर नहीं, मुझे तो रिस्क चाहिए, तो मैं इधर आ जाऊंगा और बोलूंगा देयरफॉर रिस्क इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, जो ऊपर आया है बस उसी का रूट निकाल दो भाई। भाई रिस्क को, रिस्क स्क्वायर को, हेलो, रिस्क स्क्वायर को रिस्क में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? रिस्क स्क्वायर को रिस्क में लाना है तो रिस्क स्क्वायर को रूट में डालना पड़ेगा ना, तो वही किया ना, ये एज इट इज, हेलो, ये एज इट इज इसको स्क्वायर में डाल, रूट में डाल दिया, और ये जो है दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन। यश तेरा ध्यान किधर है भाई, ये बात हो चुकी है ऑलरेडी, रिस्क स्क्वायर विल बी 125/5, यस, सो दिस विल, क्योंकि इवेंचुअली आपको रिस्क स्क्वायर को स्क्वायर करना है, तो पहले मैं रिस्क स्क्वायर में यहां पे ये चीज कर लूंगा। अच्छा तू इसके लिए, ये कॉन्टेक्स्ट के लिए बोल रहा है, देन यस यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, सो इधर भी डिवाइड बाय एन कर देना चाहिए अपने को सर, सो इधर भी डिवाइड बाय 5 कर देना चाहिए सर, 126.8 डिवाइड बाय 5 तो 25.36 आ जाएगा, यस यस यू आर राइट, माय बैड, यस यू आर राइट, गुड गुड गुड। सो ये जो मेरा रिस्क आया है अब यहां पे वराइन से लेकर यहां पे, दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन। ए समझू एवरीबॉडी, क्लियर? खुद से फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे अपन अभी, ये कि याद रखना पड़ेगा, आई मीन रट्टा मारना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली अब आ जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा ये फॉर्मूला पक्का। बस यही तो चाहिए यार, क्लियर एकदम? बोलो यार, रट्टा मारना पड़ेगा कि याद रहेगा ऑटोमेटिकली पक्का? चलो मैं एक एसके नोट लिखवा देता हूं कि स्क्वायर क्यों किया, मैं एक एसके नोट लिखवा देता हूं कि स्क्वायर क्यों किया, मैं लिखवा देता हूं दैट वी नीड रिस्क, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, बट स्टैंडर्ड डिविएशन इज्जत से नहीं आ रहा है। हाउएवर वी फर्स्ट कैलक्यूलेटेड वरायंस,
बिकॉज समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर, सॉरी, समेशन एक्स माइनस एक्स बार विल मैथमेटिकली बिकम जीरो। मैथमेटिकली बिकम जीरो फॉर पास्ट डेटा, फॉर पास्ट डेटा। तो अपन क्या करेंगे, देयर फॉर पास्ट वी कैलक्यूलेट इट्स समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर अपॉन एन and then do its square root. upon n. hey, samjhigidu, are we clear? absolutely. क्या अब रिस्क कैलकुलेट करना भी आ रहा है अपने को खुद से? सो रिस्क को भी, ए याद है मैंने रिटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया था। हेलो, रिटर्न को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। क्या दो पार्ट में डिवाइड किया था, फटाफट लिख के बताओ। अगर मैंने रिटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया था तो रिस्क भी तो वही दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि अगर एवरेज रिटर्न का रिस्क है तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा, पर अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न का रिस्क है तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट होगा। बराबर कि नहीं? अरे रिटर्न, हाँ मतलब ये लोग बोल रहे हैं रिटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इनकम एंड कैपिटल गेन। बराबर है तुम्हारा बात। उसको फर्दर सब डिवाइड किया था, वो क्या था? रिटर्न के टाइप्स बताओ, रिटर्न के टाइप्स बताओ। चलो रिटर्न में, वेरी गुड, रिटर्न में इनकम और कैपिटल गेन आता है, बराबर है, कैपिटल अप्रिसिएशन आता है, बराबर है। उसके दो टाइप्स था, एवरेज एंड एक्सपेक्टेड, पास्ट एंड फ्यूचर, बहुत बढ़िया। वैसे ही रिस्क भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है? एक बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, दूसरा बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा, दूसरा बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा। समझ रहे हैं? बराबर। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है वरायंस। कैसे कैलकुलेट होगा ये, तो अभी अपन लोग ने किया था, याद रखना। रिस्क इज एक्स माइनस एक्स बार, जो मेरा एवरेज रिटर्न है उससे मेरा करंट रिटर्न कितना डिविएट हुआ। बिकॉज सब डेटा पास्ट में, तो मैं कंपैरिजन भी पास्ट का कर रहा हूं, पर ऐसे इज्जत से करने से मेरा जीरो हो जाए तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायर। ये कितनी क्वांटिटीज के लिए कर रहा हूं, एन, ये सबका समेशन, ये सबका समेशन। समझ रहा है आपको एवरीबॉडी कैसे मैं बात करते करते फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं? तुम लोगों को भी खुद से ऐसे ही करते रहे, समझ रहे हैं? डन। दूसरा, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा यहां पे? समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, एज इट इज लिखा है, रूट। रूट डन। क्लियर है? अब फ्यूचर डेटा के ऊपर आ जाओ। अब वराइंस खुद से कैलकुलेट करना, थोड़ा बताओ मुझे क्या लग रहा है, कर पाओगे कैलकुलेट? इसमें देखो एन वाला सिस्टम नहीं होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे करोगे ये कैलकुलेट? समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर रहेगा, डिवाइड बाय एन के जगह प्रोबेबिलिटी। खोपड़ी समझेगी नहीं?
उसमें क्या करते थे, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी करते थे, इसमें एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ना रियल लाइफ में, सब आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो भाई। अभी फिलहाल फॉर्मूला लिख ले अपन, ताजा तर्रम है अपने को एकदम, इसलिए माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। अच्छा एवरीबॉडी समझे बड़े, बहुत बढ़िया। चल क्या ये फॉर्मूलाज भी खुद लिख पाओगे तुम लोग, ने नोट किया सात फॉर्मूला हो गया अपना, सात फॉर्मूलाज, ओरिजिनल रिटर्न, एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क के चार टाइप्स, डन 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 डन। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो बनता है यार। अब सुनो, खाली एक और एसके नोट लिखवा देता हूं, अप्लाई करेंगे तब समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा नहीं, सिर्फ लिख लो। ओके ओके, गुड वन, गुड ऑब्जर्वेशन कोटेरामिया, नाउ ओके। देखो अभी जब तुम लोग को एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे रिस्क कैलकुलेट होता करना होता है ना, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा ब्रैकेट में। So, इसमें क्या करना होता है पता है क्या, फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी एंड देन डू इट्स समेशन। प्लीज मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले एक्स माइनस एक्स बार निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो, स्क्वायर स्क्वायर, पहले एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी जो मिलेगा ना उसका समेशन करना है। जब करेंगे तब क्लैरिटी आएगा, एज आई टोल्ड यू, बस ये लिख लो, एक सम करेंगे ना तुम लोगों को क्लिक हो जाएगा व्हाट आई हैव रिटन हियर, फिर जब रिवाइज करोगे दिस विल बिकम मोर क्लियर। तो पहले कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी पूरा एंड देन उसका समेशन कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, चल डन। करेंगे स्टार्ट गाइस फ्रॉम योर नोटबुक, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा ओके ओके ओके, लिख लिया सब लोग ने, डन है। चल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब अपन लोग ने अभी जो भी पढ़ा है लॉजिकली समझा है उसको सम में कन्वर्ट करेंगे। बट मैं एक छोटा सा ब्रेक दूं क्यों ना, उसके पहले फटाफट एक बार मेरे को यू नो जस्ट रिवाइज करवा दूं। तो रिटर्न
रिटर्न इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, रेगुलर इनकम कैपिटल अप्रिसिएशन। रेगुलर इनकम डिविडेंड इंटरेस्ट रेंटल इनकम कुछ भी हो सकते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन P1 माइनस P0। सो इनकम प्लस P1 माइनस P0 द होल अपॉन P0 इज रिटर्न डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न। एवरेज रिटर्न समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, एक्सपेक्टेड रिटर्न समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी उसका समेशन। फिर आता है रिस्क, रिस्क में आता है वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरियंस में आ जाता है मेरा रिस्क स्क्वायर, विच इज एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन उसका समेशन। यस, एंड उसी का रूट हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। एंड एक्सपेक्टेड रिस्क, किस एक्सपेक्टेड रिटर्न का रिस्क कैसे आएगा, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी और उसका समेशन, उसको रूट में डालेंगे मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर टिल ईयर? मस्त एकदम। चलो समझ गुरु। कार्तिक लेट ज्वाइन किया रे तू, मैं देख रहा हूं तेरे को, तू लेट ज्वाइन किया रे। यही नोट लेते, एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक।